फ्रेंड्स, यदि आप क्रूड ऑयल में इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल के ऊपर नो लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। यह स्ट्रेटजी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इसका रिजल्ट आपको हाई मिलेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को थोड़े से एफर्ट के साथ में भी इस्तेमाल करते हो तो फ्यूचर में चल के इसके थ्रू आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है या आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड्स, पूरा स्ट्रेटजी को हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और साथ में एक कमेंट भी कर देना और बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर सभी नए व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल की इस पहली वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजफुल वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। आज की जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, इसका बैक टेस्ट हमने 2021 में करना शुरू किया था और 2021 में हमने पाया कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू बहुत ही बेहतरीन जो है कि प्रॉफिट निकल के आ रहा है। उस वक्त हमने एक एक्सेल शीट भी मेंटेन किया था, लगातार 31 डेज हमने इसको फॉलो किया और देखा कि 31 डेज की ट्रेडिंग में इसमें 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकल के आ रहा था। अभी रिसेंट में हम इसको लगातार 2 महीने से ट्रैक कर रहे हैं और हमने इस 2 महीने में देखा है कि स्ट्रेटजी जिस तरीके से 2021 में परफॉर्मेंस दे रही थी उसी तरीके का परफॉर्मेंस अभी रिसेंट में भी मिल रहा है। तो हमने ये प्लान किया कि हम इस स्ट्रेटजी को जो है आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, ताकि आप लोग भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कर सको। तो फ्रेंड्स, पूरी स्ट्रेटजी जो है कि हम अपने चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेके चलेंगे, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके पहले 2021 का एक्सेल शीट देख लेते हैं जो कि हमने मेंटेन किया था उस वक्त कि स्ट्रेटजी किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। तो उस एक्सेल शीट को देखने से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ, अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और इस तरीके का रिजल्ट मिले तो हम मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ में बने रहेंगे और हम लॉस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल शीट को देख लेते हैं, आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इंटरफेस के ऊपर हमने यहाँ पर एक्सेल शीट ओपन कर रखा है। ये 2021 का बैक टेस्ट है, इसमें आप कुछ ग्रीन एरियाज देख रहे हैं। ये सारे ग्रीन एरिया जहाँ पे टारगेट लगे हैं उसके लिए इसको हाईलाइट किया गया है ग्रीन से, और येलो कलर का भी कुछ एरिया देख रहे होंगे, येलो कलर में जो हाईलाइटेड है वहाँ पर या तो बहुत छोटे प्रॉफिट हुए हैं या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड एग्जिट हुआ, और कुछ यहाँ पर रेड कलर का हाईलाइट एरिया देख रहे हैं। तो जो रेड कलर में हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, इस वजह से यहाँ पे रेड कलर में इसको हाईलाइट किया गया, लेकिन ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसमें नहीं लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 पॉइंट का लगा है, यहाँ पे 26 पॉइंट का, यहाँ पे 13 पॉइंट का, यहाँ पे 27 पॉइंट का, यहाँ पे 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 31 इसमें मेंशन किए गए हैं। 31 ट्रेड में आप देखेंगे तो 26 ट्रेड यहाँ पर विन हुए हैं और 5 ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं लूज हुए हैं। तो जो 5 ट्रेड लूज हुए हैं उसमें 100 पॉइंट लॉस हुआ है और जो विन किया गया है ट्रेड उसमें 650 पॉइंट जो है कि प्रॉफिट हुआ है। तो स्ट्रेटजी इसी तरीके से परफॉर्म करती है। यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेल शीट पे अच्छे तरीके से देख लिया होगा कि जो स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा स्ट्रेटजी के थ्रू ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लग रहे हैं और जो स्टॉप लॉस लग रहे हैं उसमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस लग रहे हैं और ज़्यादातर टारगेट। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो यदि इस तरीके का परफॉर्मेंस कोई स्ट्रेटजी देती है जो 30 से 40 ट्रेड के अंदर 600 या 650 पॉइंट का प्रॉफिट दे सकती है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर आप कोई दूसरा स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए चलते हैं इस स्ट्रेटजी को चार्ट के ऊपर समझने के लिए और वहाँ पर पूरा स्ट्रेटजी भी समझाएंगे और कुछ बैक टेस्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे रिसेंट में किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया। सो फ्रेंड, चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हमने क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है, देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का मार्च फ्यूचर का ये चार्ट है और स्ट्रेटजी को हम यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रेटजी कैसे काम करेगा, कैसे इसमें एंट्री लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे टारगेट रहेगा, ये सब कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले कुछ कंडीशन है उसको हम बता देते हैं। हम जिस स्ट्रेटजी को बताने जा रहे हैं उसमें टाइम फ्रेम 15 मिनट का रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा के रखा है। इवनिंग में 3:15 के बाद
हम लोगों को एंट्री लगाना है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, ये तो आपको पता चल गया। और 3:15 के बाद जो है कि हम लोग अपना एंट्री लगाएंगे। बाई का सिग्नल मिलेगा तो बाई साइड में जाएंगे, सेल का मिलेगा तो सेल साइड में जाएंगे। तो इसे नोट करके चलें। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एंट्री लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। इसको जरा एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से जो है कि बैक टेस्ट कराएंगे। मान लीजिए कि 3:15 की कैंडल इस तरीके से बनी, ऐसी एक कैंडल बनी जो कि 3:15 की कैंडल है। रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो इसमें वीक भी होगा तो हम वीक भी बना देते हैं। यहाँ मान लो इस तरीके का कैंडल बना, और इस तरीके का कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल 3:15 के बाद इसका या तो हाई ब्रेक कर सकता है या तो लो ब्रेक कर सकता है। तो हम सबसे पहले इसका हाई मार्क कर लेते हैं और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं। अब सपोज कि 3:15 के बाद यदि इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम बाई साइड में जाएंगे, यदि लो ब्रेक होता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। लेकिन सिर्फ हाई ब्रेक होने से हम बाई साइड में नहीं जा सकते, इसमें 6 पॉइंट का बफर रहेगा। मतलब ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी है इसके हाई से 6 पॉइंट ऊपर अगली कैंडल का प्राइस जाना चाहिए। तो इस कंडीशन को जरा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मान लो यहाँ पे हमने एक हाई ड्रॉ करके रखा है, इसके ऊपर 6 पॉइंट ऊपर एक बफर लगा के रखेंगे, ये बफर वाली लाइन है। जब अगली कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो साथ में बफर भी ब्रेक होना चाहिए, बफर बफर प्राइस ब्रेक होना चाहिए। जब ये बफर प्राइस ब्रेक हो जाएगा, यानी ऊपर वाली जो लाइन ब्रेक हो गई, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें बाई का सिग्नल आ गया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट बफर प्राइस पे ही बाई नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप जो बफर लगा के रखे हैं, मार्केट इसको ब्रेक किया, आपने यहीं से बाई कर लिया। नहीं, सिर्फ बफर इसलिए है कि हमको सिग्नल कंफर्म हो जाए। जब सिग्नल कंफर्म हो जाए तो हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो नीचे वाला लाइन ही रहेगा, ये वाला लाइन है, यही एंट्री प्राइस रहेगा। मतलब इस कैंडल का हाई प्राइस हर हालात में आपका एंट्री प्राइस रहेगा। अब टारगेट इसमें क्या रहेगा? देखो फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो लॉस का सामना जल्दी ना करो और डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बुक करो, ये हमारा मकसद है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू कई बार आप पाएंगे कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक मार्केट मूव हो जाता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमको डेली काम करना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हाई एक्यूरेसी किस में मिलती है, कितना प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि आप 20 पॉइंट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाओ, इसमें एक्यूरेसी आपको हाई मिलेगी और मार्केट में आप सस्टेन भी कर पाओगे और डेली जो है कि आप प्रॉफिट भी बुक कर पाओगे। तो इस तरीके से जब मार्केट 20 पॉइंट देता है तो आप तुरंत जो है कि यहां से एग्जिट मार जाओ। मान लो यहां पे आके 20 पॉइंट मिला, आप यहां से एग्जिट मार जाओ। लेकिन इमेजिन करो कि आपने बाई साइड में देखा, मान लो कि हो सकता है बाई साइड में ना देखे, मार्केट सेल साइड में आना चाहता हो, मार्केट गिरना चाहता हो, तब क्या करेंगे? हाई ना ब्रेक करे, हाई साइड में बफर ना ब्रेक करे, लो ब्रेक करे और लो साइड का बफर ब्रेक करे, तो इस कंडीशन में क्या करना है? तो मान लो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट का बफर लगा दिया, लो साइड में बफर ब्रेक हो जाता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। यहाँ पे तो सेल साइड में जाने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल बफर ब्रेक कर रही है लो साइड में। मान लो इस तरीके का लो साइड में बफर ब्रेक हो गया, तो हमने क्या कहा कि जैसे ही बफर ब्रेक हो तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है इसका लो प्राइस ही सेल प्राइस रहेगा, सेल प्राइस रहेगा। और इसके बाद से हम जब बफर ब्रेक कर चुका होगा उसके बाद नीचे की तरफ हम अपना टारगेट लगा के छोड़ देंगे 20 पॉइंट का। यानी सेल साइड में भी हम 20 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे, और 20 पॉइंट का टारगेट लगाने के बाद पता चलता है कि इसमें बड़े आराम से टारगेट आ जाते हैं, आराम से टारगेट आ जाते हैं। इसीलिए मैं 20 पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमने पहले ही बताया कि बड़े बड़े टारगेट्स भी आ जाते हैं, इजी मार्केट मूव हो जाता है। सो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से जो है कि हमको एंट्री लगाना है। एक चीज और यहाँ पर समझाना पड़ेगा आप लोगों को जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पे हमको सेल मिल गया, इस तरीके से सेल मिल गया,
ओके, हमने 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे नीचे लगा रखा है इस जगह पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि चार कैंडल लगातार यहीं पे बन गई, नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, और फाइनली कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बनने लगी 15 मिनट की, हमने सेल करके हम बैठे हुए हैं, इस तरीके का ग्रीन कैंडल बन गया है। चार कैंडल्स तक देखें, मार्केट नीचे नहीं आया, टारगेट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, जहां पे मार्केट चल रहा है कैंडल फिनिश होगी चौथी कैंडल इंट्री होने के बाद, जैसे इंट्री की कैंडल ये है, इसके बाद चार कैंडल्स तक देखेंगे, चार कैंडल्स तक हमारा पोजीशन निगेटिव चल रहा है, सो हम अपने पोजीशन को एग्जिट मार लेंगे। ये सीन जो है कि बाई साइड में लागू होगा और सेल साइड में भी लागू होगा, मतलब बाई भी करके बैठे हैं लेकिन हमारा पोजीशन चार कैंडल्स तक निगेटिव है, मतलब हम कुछ लॉस में चल रहे हैं, तो हम चौथी कैंडल जैसे ही फिनिश होगी हम एग्जिट मार देंगे, लेकिन चौथी कैंडल तक हम प्लस में हैं, हमारा पोजीशन प्लस में चल रहा है, तो हमको एग्जिट मारने की जरूरत नहीं है। अब चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तो एक्सप्लेन कर दिया इसका जो रूल्स है, कंडीशन है, ज्यादा इसमें रूल्स और कंडीशन हमने नहीं लगा के रखे हैं, ज्यादा रूल एंड कंडीशन लगाएंगे तो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ना इसको जरा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड करना होता है, प्रैक्टिकली समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, यस्टरडे का चार्ट है, ये 3:15 में बनने वाली कैंडल है, ये कर्सर के नीचे भी देख सकते हैं, यही कैंडल है 3:15 में बनने वाली। अब इस कैंडल का हम हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं, हाई एंड लो, तो जैसे कि ये देख सकते हैं इसका लो हमने मार्क कर दिया, इसका हाई मार्क कर दिया। ओके, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, कर्सर मैं इस पे रख रहा हूं, जूम करके रख रहा हूं, देख लीजिए कर्सर के नीचे देखेंगे तो इसे इस पे जो है कि 15 का टाइम लिख रहा है। ओके, यानी कि ये कैंडल 3 से बनना स्टार्ट होती है और 3:15 में जो है कि ये कैंडल बन जाती है। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो डाउन साइड में इसका बफर ब्रेक हुआ 6 का। ओके, मतलब मार्केट सेल में आ गया, तो जब मार्केट यहाँ पे सेल में आया तो हम इसी कैंडल का हाई प्राइस जो है कि स्टॉप लॉस रखेंगे, इसी कैंडल का हाई प्राइस स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे से सेल करेंगे, सेल कर दिया जब बफर ब्रेक हुआ तो, और इस कैंडल का लो प्राइस पे भी गया है मार्केट, तो सेल करा, सेल करने के बाद लगातार चार कैंडल्स तक यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, हमारा पोजिशन निगेटिव में रख रहा है, मतलब हम प्रॉफिट में नहीं है। तो जैसे ही चौथी कैंडल ये बन के कंप्लीट हुई, देन हम एग्जिट मार जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारा पोजीशन निगेटिव में चल रहा है। अगर चौथी कैंडल तक हमारा पोजीशन पॉजिटिव में होता देन हमको यहाँ से एग्जिट मारने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा कि एक ट्रेड जो है कि सही नहीं चला, इसमें प्रॉफिट नहीं बुक हुआ, थोड़ा सा लॉस बुक हुआ। थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि पीछे इसने क्या किया। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाली कैंडल है, इसी कैंडल पे अपने को काम करना। अब देखो जब आप इस कैंडल पे एंट्री लगाते हो तो किस तरीके से लगाओगे, इसी कैंडल का हाई प्राइस मार्क करोगे, लो प्राइस स्टॉप लॉस के लिए मार्क करोगे, बफर मार्क करोगे 6 का। यहां पर देख सकते हो इस कैंडल का हाई एंड बफर दोनों ब्रेक हुआ है, मतलब अपने को इस पे एंट्री मिली ही मिली है, और इसके बाद से देख सकते हो आपका 20 का टारगेट रहेगा। 20 का टारगेट ये पहले कैंडल पे ही कंप्लीट हो चुका है, ये पहले कैंडल पे ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मार्केट और भी ऊपर गया, तो हमने कहा कि इस स्ट्रेटेजी के थ्रू बहुत ही अच्छे अच्छे मूवमेंट भी मिल जाते हैं, तो उसके लालच में आपको नहीं पड़ना है, डेली आपको इसके थ्रू ट्रेड करना है, 20 लेके निकलते हो बहुत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रेड कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे एक टारगेट लग गया, अब अगला देखते हैं, पीछे आते हैं, अब देखो ये वाली एक कैंडल है, अब इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे, इसको भी हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को देख सकते हैं, यही कैंडल है, यानी ये 3 से स्टार्ट हुई है और 3:15 पे फिनिश हुई है। हमको इसको क्या करना है, इसका लो एंड हाई मार्क करना है, हाई एंड लो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाई साइड
में मार्केट हाई तक गया है बट बफर नहीं ब्रेक किया, लेकिन लो साइड में इस कैंडल का बफर ब्रेक हुआ। तो लो साइड में जब बफर ब्रेक हुआ है तो जाहिर सी बात है सेल करेंगे। सेल करने के बाद इजी यहाँ पे 20 पॉइंट मिल चुका है, इजी यानी ये दूसरा टारगेट लग चुका है। अभी दो टारगेट हो गए, अब इसी तरीके से तीसरा देखते हैं। अब देखो यहां पर ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसी कैंडल पे जो है कि काम करना है। ये 3 बजे से बनना शुरू होता है और 3:15 पे ये बन के कंप्लीट होता है। 15 मिनट की कैंडल है, इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग भूले नहीं। अब देखो इसी कैंडल का हाई एंड लो मार्क करते हैं, हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, ये हाई हो गया, नीचे लो हो गया। अब देखो हाई साइड में हाई नहीं ब्रेक हुआ है, बफर नहीं ब्रेक हुआ है, लो साइड में इसका बफर और लो ब्रेक हुआ है, मार्केट पूरा ही नीचे आ गया है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, इसमें 60-70 पॉइंट की मूवमेंट मिली है, सो अपने को 20 पॉइंट ही लेके निकलना है। तो यहां पर देखा आपने दूसरा ट्रेड भी कंप्लीट हुआ और इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा। ओके, तीसरा ट्रेड है जिसमें कि स्टॉप लॉस नहीं लगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसका लो मार्क करेंगे, हाई मार्क करेंगे, लो साइड में बफर ब्रेक हुआ, नीचे 20 पॉइंट देके चला गया, इजी 20 पॉइंट देके चला गया, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ओके, चार ट्रेड ऐसे हो गए जिसमें लगातार टारगेट आ रहे हैं 20 पॉइंट का। अब इसी को आगे चल के देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, अब इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं। 3 बजे से स्टार्ट हुई है कैंडल, 3:15 पे ये बन के कंप्लीट होती है। अब देखो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ और हाई साइड में बफर ब्रेक हुआ, मार्केट पूरा ही ऊपर चला गया। ओके, इस कैंडल को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, यही वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है। ओके, यही वाली कैंडल है, मार्केट पूरा ऊपर चला गया। 5 ट्रेड ऐसे हो गए जो लगातार आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और हमारी बात भी आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसी तरीके से थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं। अब नीचे आके देखो तो मार्केट ने अपना काम कर दिया है, अच्छा खासा मूवमेंट यहां पर मिल चुका है, अपना टारगेट आ चुका है, स्टॉप लॉस नहीं लगा। तो यहां पर लगातार देख रहे हैं 5 से 6 दिन आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ रहा। ओके, अब इसी तरीके से थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब ये वाली कैंडल है, इसको देख सकते हैं, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट सीधा ही ऊपर चला गया, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, मार्केट ने पूरा अपना टारगेट दे दिया। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार ये स्ट्रेटेजी जो है कि आपको प्रॉफिट दे रही है, इसमें लॉस का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब यहां पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, ये वाली, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं, लो साइड में बफर ब्रेक हुआ, मार्केट पूरा नीचे आ गया, पूरा ही मार्केट नीचे आ गया जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यही वाली कैंडल है। अब ये देख सकते हैं 7 से 8 दिन हो गए अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगाए, मार्केट फेवर में ही मूव हो रहा। अब आगे चल के देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। अब यहां पर देखते हैं ये वाली कैंडल है, ये वाली, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं, यहां पर देख सकते हैं इजी 20 पॉइंट आ चुका है, इजी आया है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, टारगेट देने के बाद ही मार्केट नीचे आया है, मतलब यहां पर भी टारगेट आ चुका है। अब ऐसे ही और थोड़ा पीछे चलते हैं। अब जितना मर्जी चेक करो इसको, इसकी एक्यूरेसी आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाती है। आप लाइव मार्केट में चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेटेजी हमेशा ऐसे ही वर्क करती है। इसको जो है कि 2021 में टेस्ट किया गया था तो इसी तरीके से रिजल्ट मिलता था, तो जो है कि इस तरीके का प्रॉफिट मिल पाता। अब देखो ये वाली कैंडल है, अब यहां पर देखेंगे यही एक जगह है जहां पे बफर ब्रेक नहीं हुआ है, बफर नहीं ब्रेक हुआ, लो साइड में देख रहे हैं तो लो साइड में बफर ब्रेक हुआ, तो हम यहां पर सेल साइड में आएंगे। आप कल यहां पर जाके चेक कर लेना, यहां पे बफर नहीं ब्रेक हुआ। ओके, इसका इस कैंडल का हाई है 6507 और अगली कैंडल ने हाई मारा है 6511, तो 6 पॉइंट का बफर तक भी ये प्राइस नहीं गया, तो हम क्या करेंगे सेल साइड में आएंगे क्योंकि सेल साइड का बफर ब्रेक हुआ है। तो यहां पर भी देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, पहले नीचे आ गया जब बफर ब्रेक हुआ तो पूरा ही नीचे आ गया।
और यहां पर भी हमको लॉस का सामना नहीं करना पड़ा। देखो छोटा सा रूल है, छोटा सा कंडीशन है, मगर ये मार्केट उसी पे चल रहा है, मार्केट उसी पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे देखें यहां पे इस जगह पे देख रहे हैं ये वाली कैंडल है, इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं, इस कैंडल का लो मार्क करते हैं। आगे देखते हैं इजी 20 पॉइंट जा चुका है मार्केट, इजी ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। यहां पर भी आपका 20 पॉइंट, अभी तक सिर्फ स्टार्टिंग में आपने एक स्टॉप लॉस देखा था, वो भी स्टॉप लॉस नहीं लगा था, मार्केट मूव नहीं हुआ था, तो आप जो है कि पोजीशन को कट कर चुके थे। इसमें इसी तरीके से होता है। सो यहां पर टारगेट आ चुका है। ओके, अब थोड़ा सा और पीछे चल के देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है, कहां पे स्टॉप लॉस लग रहा है वो देख रहे हैं, देखेंगे। ओके, अभी देखो यहां पे देखो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ए इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया, इस कैंडल का लो मार्क कर दिया, और देखो मार्केट कहां से कहां चला है। मतलब यहां पर भी बहुत इजी तरीके से मार्केट ने जो है कि टारगेट दिया है। यहां पे तो लगभग 50 से 60 पॉइंट मार्केट मूव हो चुका है इतना ही दूर में, तो ऐसे ही मूवमेंट जो है कि मिलेंगे। अब देखो यहां पर भी सिर्फ एक ट्रेड में आपका एसएल लगा है, जो कि स्टार्टिंग में अभी दिखाया था हमने, 10 से 12 ट्रेड हो गए, अभी तक स्टॉप लॉस इसमें नहीं दिखा रहा। सिंपल सा कंडीशन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड कंडीशन। अब देखो यहां पर ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई मार्क कर दो, इस कैंडल का लो मार्क कर दो, नीचे देख लो मार्केट आया नहीं आया, यही कैंडल है, मार्केट पूरा ही नीचे आ गया। अब देखो इसका और पीछे चलते हैं, चेक करते हैं कि कहां ये जो है कि काम नहीं कर रहा, तो हम अपने को थोड़ा सा पता चलेगा। अब देखते हैं, अब देखो इधर डेटा ही नहीं है, इधर डेटा ही नहीं है, डेटा पूरा शो नहीं कर रहा है, सो हम आगे नहीं चेक कर सकते, इधर आगे डेटा नहीं है, सही से डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, डेटा नहीं है, नहीं तो इधर भी मैं आप लोगों को दिखाता, सिस्टम जो है कि जैसे वर्क कर रहा है वैसे ही वर्क करता है। अभी यहां पर 10 से 15 ट्रेड हमने ऐसे दिखाया जिसमें सिर्फ टारगेट लगा है, सिर्फ एक ट्रेड है जो कि पिछला दिन यहां पर स्टॉप लॉस लगा था, वो भी स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते हैं, यहां पर मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़ा एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस तो यहां पे था, यहां से एंट्री थी और यहां पे जो है कि इस कैंडल की क्लोजिंग यहां पे हुई, मतलब 5 से 7 पॉइंट इसमें जो है कि आपके लॉस हो सकते हैं, मैं ऐसा मान सकता हूं, लेकिन बाकी सभी ट्रेड में जो है कि प्रॉफिट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, कभी सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन या दो दिन लगातार, दो दिन ऐसा भी मान सकते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं छोटे छोटे। ओके, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, आपको मार्केट पे एक रिदम के साथ में जो है कि काम करना है। अगर भरोसा ना हो, यकीन ना हो, तो आप इसको जो है कि लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके देख लीजिए, एक महीना चेक करके देख लीजिए, आपको भरोसा हो तो ट्रेड करना, नहीं भरोसा हो, नहीं समझ में आया हो तो नहीं ट्रेड करना, छोड़ देना इस स्ट्रेटजी को, जिस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हो उसी स्ट्रेटजी पे वर्क करना, लेकिन ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना और इससे प्रॉफिट भी लेना। और अगर कुछ चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजफुल वीडियो हम हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।